अमेरिका की जनसंख्या करीब 35 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग जान जाते हैं, लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश में जो साहस दिखाया, जो सफलता पाई, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोप के चार बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन चारों देशों की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या के बराबर है। उसके बाद भी यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मामलों को जिस सूझबूझ के साथ संभाला, वो काबिले तारीफ है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह से वो जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी इससे प्रेरणा पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोप के चार बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन 200 से 250 साल तक दुनिया में सुपर पावर रहे, आज भी इन देशों का दबदबा है। इन चारों देशों की जनसंख्या करीब 24 करोड़ है। कोरोना में इन चारों देशों में मिलकर 1,30,000 लोगों की मौत हुई, जबकि उतनी जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की जान गई। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।